था, वो 8,000 कुछ था, अभी वो सब इंटरेस्ट इंटरेस्ट लग के 10,000 हुआ है। अभी 31st को उसका रिपेमेंट करना है, अच्छा तो मेरे अभी मेरा फिलहाल जॉबलेस हो गया। अभी रमजान चल रहा है ना, तो रमजान में कुछ होता नहीं है जॉब वॉब करना, तो जॉबलेस हो गया हूँ मैं। तो मैं अभी उनके कॉल्स वॉल्स अगर नहीं उठाऊंगा तो कुछ दिक्कत तो नहीं है ना घर को आने नहीं का? ना ना, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिन का ड्यू चल रहा है अभी? अच्छा ड्यू नहीं हुआ है, 31st को उसका रिपेमेंट है। अच्छा हाँ, और वो स्टैट्सफिन एक है ना, स्टैट्सफिन, हाँ वहां से भी लिया था, मतलब कुछ जरूरत पड़ने पे लिया था भाई। अभी उसका भी क्या है, 30 को है रिपेमेंट, तो मैं सोच रहा हूँ अगर कॉल वॉल्स नहीं उठाऊंगा तो कुछ दिक्कत तो नहीं है कि ना घर ना, में नहीं कोई रख दिक्कत रखा नहीं है। है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और वो रिंग एप्लीकेशन था ना, उससे मैंने हाँ लिया हाँ था, हाँ ठीक हाँ है, हाँ उसका तो मेरा तकरीबन 1 महीने से ड्यू चल रहा है। वो लोग बहुत कॉल्स करे मेरे को, मैं क्या किया था पता है, वो उनका जो सीरियल नंबर रहता है ना स्टार्टिंग में सेम होता है, बाकी का सब अलग होता है, तो ट्रू कॉलर पे क्या कर दिया था उसको, वो सीरियल नंबर ब्लॉक कर दिया था, मतलब जितने भी कॉल आएंगे सब ब्लॉक हो जाएंगे ऐसा। हाँ हाँ, तो 1 महीने से मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, कॉल्स उठाए नहीं कुछ नहीं, अभी उनका एक भी कॉल नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगा ना कि वो घर पे आएंगे फिर रिंग एप्लीकेशन वाले? देखिए, बात ऐसी है ना कि सबसे पहले देखिए घर पर कैसे आता है। ड्यूज तो खूब लगा देगा, सब ठीक है। बहुत महीने महीने हो जाता है, तो 7-8 महीना, 10 महीना, तो ऐसे में काफी ड्यूज लग गया। और ऊपर से डिपेंड करता है लोकेशन, कि आप अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं। भाई मेरा तो ऐसा है, कर्नाटका में एक विलेज है, मतलब बहुत दूर होता है, कर्नाटका में जो एक विलेज है, खेड़ा गांव बोलते हैं ना, हाँ मैं विलेज में रहता हूँ और अभी। देखिए, और ऊपर से यह भी डिपेंड करता है कि अपने एरिया में केवल सिंगल पर्सन आप ही लोन लिए हैं, कि या आप ही की तरफ 50 लोग और लेकर बैठे हैं, तो उस मुताबिक मतलब कि वसूली करने आता है सब। अब एक के लिए पेट्रोल जरा कर नहीं ना आएगा। हाँ, मैं भी यही सोचा, मतलब मेरा तो 10,000 है, ये तो छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट हो गया तो आएंगे, ऐसा भी सोचा बड़ा था। अमाउंट के लिए आएगा, बड़ा अमाउंट के लिए तो आईबे करेगा सब। हाँ, हिरिंग एप्लीकेशन का क्या है, मेरे एक दो तीन दोस्त लोग हैं, वो मतलब उनका क्या है, 1,000 2,500 ऐसा कुछ लिए हैं वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो लोग पे कर देंगे डर के। हाँ, तो मैं तो रिंग एप्लीकेशन का 1 महीना हो गया, कॉल्स भी नहीं उठा रहा, अब उनके कॉल्स भी नहीं आ रहे मेरे को। 20 days तो उनके कॉल आए थे मेरे को, मैं उठाया ही नहीं हूँ। हाँ, तो ये एजेंट वेजेंट घर पे आने का तो टेंशन नहीं है ना? ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, ठीक है, हाँ, तो ये बिना सब मेरा खैर रहिए। कुछ होगा नहीं, ना ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं अगर कॉल्स वॉल्स आएंगे तो उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा, नेगेट करूंगा, उठवाएंगे नहीं। हाँ, ट्रू कॉलर लगाते दीजिए, ऑटोमेटिक ब्लॉक होगा सब। हाँ, कॉल नहीं उठाना है तो ही दिक्कत नहीं है ना, कॉल नहीं उठाए, अगर कॉल हाँ उठाएंगे तो फिर डराना चालू करेंगे। हाँ कॉल उठाइएगा तो अपना स्कीम बताना स्टार्ट करेगा, हाँ, तो उठाए, उससे बेटर है कि कॉल उठाइए मत। इससे अच्छा है कॉल मत उठाइए। थैंक यू सो मच भाई, वही मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं कॉल करूंगा हाँ इसीलिए, ठीक हाँ है? आप प्रॉब्लम होगी तो कॉल कीजिएगा, ठीक है, आप कॉल उठाएंगे अब। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है ठीक है ठीक भाई, तुम एक ही हो जो दिल को सहारा दे सकते हो, मतलब दिल को है। ठंडक मिलती है तुमसे बात करने और में। देखिए, पहले पहले से अगर हमारा व्यूअर है YouTube पर, तो बिल्कुल बिल्कुल, पहले जो से ही हूँ। देखिए, पहले हमारा एक चैनल था टेक्निकल जीपर, इसी नाम से, हाँ, पता है, वो डिलीट हो गया। वो तो डिलीट हो गया, और उस पर खुलकर बोलते थे तो इस पर कुछ कम बोल रहे, लेकिन अब स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है, ये अभी आपका तो हम तो पहले से ही भी ये है, व्यूअर है वो, जो अब इससे पहले भी मैंने वो जो लोन होते हैं ना 7 दिन के जो होते हाँ, हैं, फ्रॉड फ्रॉड उसमें तो एप्लीकेशन। सब फ्रॉड एप्लीकेशन, उसमें तो सब ले लिया था मैं। अब पहले से व्यूअर हूँ आपका, और मेरे दो तीन दोस्तों को भी बता दिया हूँ क्या ऐसे ऐसा करो, ऐसे ऐसा लूट लो पूरा। अब उसका फोन ऑन आता है कि नहीं आता है फ्रॉड का? नहीं, वो रिंग एप्लीकेशन का तो अभी नहीं आ रहा है मेरे को, वो फ्रॉड का तो भी चला गया उसी टाइम में। एक मैं तो उनका नेगलेक्ट कर रहा था कॉल्स, तो 4-5 दिन मैंने नेगलेक्ट किया है उनका, तो 10 दिन में वो भी बंद हो गया, आया नहीं है। बट वो लोग क्या करे पता है, मेरे जो कॉन्टेक्ट है उनको मैसेज भेजे थे 4-5 लोग को, तो मैंने व्हाट्सएप पे ये डाल दिया था कि मेरा कॉन्टेक्ट लीक हो गए, अगर कुछ लोन वोन के लिए फोन या मैसेज आए तो तो नेगलेक्ट करने हाँ, मत उसको करना। इग्नोर कीजिएगा, मेरा प्रॉब्लम नहीं है वो, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मैं तो यही बोला था दोस्तों को। हाँ, ठीक है भाई, थैंक यू चलिए, सो मच, फिर करता हूँ कॉल। ठीक है ठीक है ठीक ओके, थैंक यू सो मच। ठीक
तो गाइस पूरा ये कॉल रिकॉर्डिंग आप सुने, आपको पता चल गया होगा कि मतलब कि क्या हम बोलना चाहते हैं। चलिए एक और का उठा लेते हैं, क्या हम बोलना चाहते हैं, चलिए लगाते हैं इनके पास कॉल। तो पूरा रास्ता का वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है ना, तभी आप सबको समझ में आएगा। हाँ भाई बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ अनुराग भाई कैसे हो? ठीक है भाई। भाई मैंने आपको सब कुछ तो वैसे चैट में बता दिया, आपने देख भी लिया होगा, मैंने सिविल की भी रिपोर्ट भेजी है। हाँ, सिविल डाउन कर देता है सर। अनुराग भाई ये बात है, एक साल पहले एक डेढ़ साल हो गया होगा मेरे इस केस को ना, मैंने जो भी लोन लिया ना वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ हाँ आवाज कट गई थी। हाँ अभी आ रही है। क्या? हाँ आ रही है बोलिए। देखिए इसी इसी कंडीशन में लोग पे नहीं करते हैं, कोई का इंटेंशन ये थोड़ी नहीं होता है कि हम लेकर पैसा नहीं देंगे, समझ रहे ना। नहीं मेरी जॉब भी हाँ मजबूरी होती है, मजबूरी होती है। हाँ उसको सेटलमेंट कर दीजिएगा, यही ना। हाँ शो कर रहा है। हाँ देखिए छोटा लोन लीजिएगा तो आपके घर पर नहीं आएंगे, बड़ा लीजिएगा तो ऐबे करेगा सर।
तो वही सीन मेरे साथ हुआ, बड़ा लोन लिया है ठीक है, तो मेरे घर पे कंटिन्यूअसली विजिट हो रही है, मैं जबकि इनसे बात भी कर रहा हूँ। हाँ अभी रिसेंटली एक रिकवरी एजेंट ने मेरे पे केस भी डाल दिया, पता है आपको, मेरे घर में ना डॉग है, मेरे डैड आर्मी में थे ठीक है, तो वो आर्मी डॉग है, तो वो रिकवरी एजेंट है ना, आपको पता ही ये लोग कैसे बात करते बदतमीजी से, तो वो मेरे पे धक्का मुक्की कर रहा था भाई, मतलब धक्का मुक्की क्या, उसने बोला कि पैसे भर वरना ये वो ऐसे, तो वो मेरे डॉग है ना वो टेरेस से कूद गया था उसके ऊपर, तो मेरे डॉग ने ना उसको मतलब पकड़ लिया था, उसकी गर्दन वर्दन पकड़ ली थी, और वो आपको तो पता ही है भाई कैसे होते हैं आर्मी डॉग्स कैसे होते हैं, हाँ वो हाँ एक हाँ जर्मन हाँ शेफर्ड है और हाँ हाँ एक हाँ शीपर है, वो तो मार ही डालेगा। तो यही हो गया, तो भाई वो भी अब मैं केस झेल रहा हूँ, आपको पता है क्या, वो भी लगा दिया है कि मतलब कि अटैक करवा है, यही अटैम्प्ट ना, मेरे पे, हाँ अटेम्प्ट टू मर्डर करवा दिया होगा, यही ना। 307 और एनिमल एक्ट बिहेवियर का भी मेरे पे लगा रखा है उन्होंने, अभी ये समझ लो मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, मेरे घर पे इतनी ज्यादा चार्जशीट आ गई कि मेरे को अपना होम टाउन छोड़ना पड़ गया वहां से, और पुलिस वालों को मैंने नोटिस दे दिया था कि मैं यहाँ पे नहीं रह रहा हूँ, और क्योंकि देखो आपको पता है गवर्नमेंट से कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम लोग ठीक है, अब वहां से भी मैं केस लड़ रहा हूँ क्योंकि वहां पे रहता तो ज्यादा ये लोग परेशान करते मेरे को ठीक है, तो मेरे को आपसे ना ये है कि यहाँ मेरे को कुछ सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि मैं अपने डिबेट से मैं निकल सकूँ, अभी लमसम लमसम मेरे पास 2.5 से 3 लाख रुपए का डिबेट बचा है, तो आप मेरे को कुछ ऐसा सॉल्यूशन दो मैं निकल जाऊं, मेरे को लोन भी सेटल नहीं करना, मेरे को कुछ ऐसा करके दो, क्योंकि देखो भाई मैं एक बार बताऊं, लोन सेटलमेंट ना कोई ऑप्शन नहीं होता, उससे ना दो चीज खराब होती है, पता है क्या, एक हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जबरदस्ती करता है ठीक है, दूसरी बात ये है ना उसमें सबसे ज्यादा एक तो मेरा सिविल इम्पैक्ट होगा ठीक है, वो तो चलो मैं आज नहीं तो कल सही कर लूंगा, लेकिन भाई ये टैक्स का पैसा, लोगों का पैसा है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं लोगों का पैसा ना दूं, ये मेरा पूरा हक बनता है, आप भी जानते हो, अगर आपने पैसा लिया है तो भाई आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा और देना चाहिए, मैंने लोन लिया ना तो देना चाहिए एनबीएफसी से, लेकिन हाँ अगर देखो किसी किसी केस में ऐसा होता है आपकी कंडीशन नहीं आप नहीं दे सकते हो तो बात अलग होती है, लेकिन अगर आप कंडीशन में हो, मैं वैसे अभी भी कंडीशन में हूँ, जॉब में नहीं हूँ, तब भी मैं पेड कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, वो मैं ही जानता हूँ भाई मैं कैसे पेड कर रहा हूँ इतना लोन विदाउट जॉब, आप सोच रहे हो, और 50 लोन अरविंद भाई मजाक बात नहीं होती, एक साल में अपना पे करना, 73 लोन थे मेरे पास जिसमें से आज मैं 50 पेड कर चुका हूँ, और अभी भी 23 मैक्सिमम बचे हैं मेरे पास, जिसमें से भी अभी मैं नेक्स्ट मंथ 4-5 लोन क्लोज कर दूंगा, तो अब मेरे को ना आपकी ये हेल्प चाहिए, मेरे को कुछ सॉल्यूशन दो, मैंने काफी लोगों से बात कर लिया है ठीक है कोई, लेकिन सॉल्यूशन अच्छा नहीं दे पा रहा है, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी बड़े बड़े हैं बोलो, अच्छा लेकिन वही है कि कोई बोल रहा है कि आप सेटल्ड कर लो, कोई बोल रहा है कि आप क्या बोलते हैं, हमें बताओ, हम डिटेल्स लेके आपकी बात कर लेते हैं, यार देखो मुझे ही पता है अगर मैं आपको डिटेल्स दूंगा ठीक है, तो आप वो आप कस्टमर नहीं, आप यूट्यूबर है ठीक है वो बात अलग है, लेकिन आप भी एंड ऑफ द डे बात मुझे ही करना, पेड मेरे को ही करना है, सब चीज आप ही तो को कर रहा है, मैं बात है कि नहीं। वही मैंने वही बोला मैंने कि देखो भाई वो बात अलग है, आप उनके ब्रांड प्रमोटर हो या जो भी हो ठीक है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है, क्योंकि वो बैंक है वो जानते हैं अपना पैसा उसको पूरा चाहिए, वो तो यही कोशिश करेंगे जो लेट पेमेंट चार्जेस लगा है वो भी उससे निकाल लें, तो एंड ऑफ दिस सिनेरियो मेरा यही बचा है कि आप मेरे को बताओ मुझे सेटल्ड करना चाहिए, अगर मैं सेटल करने बैठा तो मेरे को 2 महीने लगेंगे मैक्सिमम सारा सेटल्ड करके क्लोज कर दूंगा, लेकिन मुझे सेटल्ड नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ 4-5 महीने में अपना सारा लोन क्लोज करके मैं अपना जो है, जिससे कि मैं भी आने वाले टाइम में कोई भी बैंक या कहीं भी अप्लाई करता हूँ ठीक है, तो मैं भी एक बैंक एम्प्लॉय था पहले, तो अगर मैं अप्लाई करता हूँ और अगर मेरा सिविल 600 भी है, मैं आपको एक बात हकीकत बताऊँ, और मैंने मल्टीपल्स ऑफ लोन लेके चुकाए हैं ना, तो बैंक आपको पता है उस सैनरी में अगर मेरा 350 भी तो भी मेरे को लोन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बैंक वहां पे ये देखता है कि बंदे का सिविल जो है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बंदे के पास सारे लोन उसने चुकाए हैं और एनओसी ने उससे बहुत फर्क पड़ता है, बैंक उसको बहुत ज्यादा कंसिडर करता है, तो मुझे आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, सेटल करना चाहिए इतना सारा अमाउंट या फिर मेरे को वेट करना चाहिए भाई, आप देखिए, अब ये नहीं बोल रहे, वेट करने का तो कोई फायदा नहीं है, बात है ना। और ऊपर से तो देखिए, ड्यूट तो लगा रहा है ना।
सारे जिसमें से टेस्ट है और अभी आपका रुफाइलो है, वो लोग वेव ऑफ कर रहे हैं, और फिर आपका सबसे ज्यादा तो सबसे दिक्कत यही ना कर रहा है मनी ब्लू वाला ना। सबसे ज्यादा जो दिक्कत कर रहे हैं दो कर रहे हैं, एक तो आपका ट्रू बैलेंस है, ट्रू बैलेंस है पहले उस, हाँ ट्रू बैलेंस उसे कितना का लोन लिया था ट्रू बैलेंस लिया? मैं ट्रू बैलेंस से बड़े भाई मैं लोन लिया था लमसम लमसम मेरे को याद नहीं, उसका भी लोन लास्ट ईयर अगस्त का था, मेरी जॉब जाने से पहले मैंने लिया था, शायद ऐसे ही होगा भाई 40 के लमसम होगा, 40-45। हाँ क्योंकि मेरे अकाउंट में शायद उन लोगों ने कुछ 33,000 जाने 32,000 रुपए डाले, तो लमसम उतना ही होगा, 40 ही होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है ना ये लोग 4,000-5,000 तो काटते हैं। और फिर वो आप 11-12 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा लेते ही है, 33,000 मेरे अकाउंट में डाला था, तो ये समझ लो 45,000 मेरे को इन्हें पेड करना है। 7-8 महीना इसका मतलब हो ही गया यही ना? और उसके बाद ये मनी भी हो गया, मनी भी हो गया टोटल, इसका मतलब 1 से 2 लाख 1 से 1.5 लाख के बीच में पैसा लिया ही ना बड़े भाई? टोटल होगा मेरे ऊपर 2,83,000 रुपए, 2,83,000 और पेंडिंग में चल रहा है, पेंडिंग में चल रहा है, और जो मैंने अभी तक पेड किया वो मैंने लमसम लमसम 7 लाख 7.5 लाख रुपए पेड कर चुका हूँ मैं। ओ, 10 लाख का लोन ले लिए थे क्या पूरा है ना भाई? मैं भाई मेरा सिविल आपको बताऊंगा ना आप शॉक हो जाओगे। अच्छा मेरा सिविल 862 था। अच्छा उस टाइम, अभी कितना हो गया है? और अभी मेरा जो सिविल है ना वो है 541। बताइए, बहुत कम हो गया तो लोन देबो नहीं करेगा? वो भी पता है वो भी किस वजह से बच गया भाई, वरना ये लोग 350 पे ला देते। अभी भी कुछ ऐसी चीजें ना मैं साइड बाई साइड कर रहा हूँ लोन में, जैसे क्रेडिट कार्ड है वो ले रखा है मैं, उसका टाइम टू टाइम पेमेंट करता हूँ, उससे 1,000-2,000 रुपए यूज कर रहा हूँ, पेड कर रहा हूँ, इसलिए उससे बिल मेरा ना बचा हुआ है, वरना भाई कब का खत्म था, और एंड ऑफ द डे मेरे को राइट ऑफ करके डिफॉल्टर में डाल देते हैं। और आपके घर पे कौन कौन सा एजेंट है, कौन कौन कंपनी का? एम पॉकेट, और उसके बाद एम पॉकेट आ चुके, ट्रू बैलेंस आ चुका है घर पे, और मनी व्यू का कल ही नोटिस आया था, उन्होंने एसीना करके है, एसीना फिनटेक करके है, रिकवरी का है वो, के पास मेरा केस पहुंचा दिया है। केस तो ला तो ये हो, हाँ एसीना फिनटेक करके है, रिकवरी, हाँ रिकवरी लेंडर्स है वो लोग, रिकवरी करते हैं, उन लोग के पास पहुंचा दिया मेरा, उन लोग का मेल वेल भी आया था मुझे कि वो लोग विजिट करेंगे घर पे। अब मेरे को एक बात नहीं समझ आती, मेरे को बोला था कि आपके ऑफिस में विजिट करेंगे, मैंने तो उनको बोल दिया चूते हो जाओ करो भाई ऑफिस में विजिट, वहां से तुम्हें कुछ मिलना है नहीं, जॉब है ही नहीं। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करता है कि नहीं करता? अब क्या बोल रहे हो, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी फोन करता है भाई? कॉन्टेक्ट लिस्ट पर क्यों करेंगे आप बताओ मेरे को, क्यों करेंगे? मैं आपको सही बताऊं, मेरे तो 1 साल से सिम बंद है, जो बता दिए कर बता रहा हूँ, क्योंकि 73 लोन भाई मैंने ले रखे, मुझे पता है एक दिन में कितने फोन आते हैं, आप खुद सोचो मैं उठा पाता लोग का फोन, वही ना। कॉन्टेक्ट लिस्ट पे किया है लोगों ने फोन, जिन जिन ने किया था मैंने उनके ऊपर केस कर दिया था, कोर्ट केस कर दिया था लीगल फर्म से, उन लोगों ने केस, क्योंकि जहाँ पे मैं 6-7 लाख रुपए दे सकता हूँ तो वहाँ पे भाई तुम्हारे ऊपर 3-4 हजार रुपए में पीटीआई भी फाइल कर सकता हूँ ना कोर्ट में। तो ये सब सॉल्यूशन मैंने खुद निकाले, अब मैं भी दूध पीता बच्चा तो हूँ ही, बैंक में तो मैंने भी काम किया है। तो बस बेसिकली ना पंडा ये बैठ रहा है ना अरविंद भाई, मैं आपको सही बताऊँ, मुझे पेड करना है अपना सारा लोन, अगर ये लोग मेरे को 4 महीने देते तो 4 महीने में अपना सारा लोन खत्म करके बैठ जाऊंगा, जो बात हकीकत है। ठीक है, लेकिन टाइम नहीं दे रहा है, सब यही ना बोलना चाहते हैं, यही तो साला बकचोदी है भाई, टाइम कोई नहीं देता। अब ये ना जब एक बार विजिट करने लगे ना फील्ड में भाई, हाँ, तो डेली आएगा, लोगों को टाइम कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा, मैं आपको सही बताऊँ टाइम देगा ही नहीं, आप कितना भी उनसे विनती कर लो कुछ कर लो। ठीक है, और काफी सारे यूट्यूबर्स होते हैं बोलते हैं यार तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लो ये कर लो वो, कुछ नहीं करते, नहीं है ये सब लोगों के बहम है, मैं आपको सही बताऊँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लो चाहे कुछ रिकॉर्ड कर लो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आप रिपोर्ट करा लो, फिर भी आपके घर पे आएंगे आपको हैरेस्ट करेंगे, हाँ ब्लैकमेल जो भी करना करेगा, और डरपोक रहेगा तो मारपीट भी करेगा सर। हाँ अभी मेरा जो किस्त अभी सीन क्या था, दिल्ली भी ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया मेरी अच्छी खासी पकड़, मैंने आपको बताया था मैं डायरेक्ट डिफेंस पे थे, मरीन्स मार्कोस कमांडो में थे, तो अच्छी खासी पकड़ में डैड का ट्रांसफर होता था जगह जगह, तो
जगह जगह लोगों के साथ मिलना जुलना होगा। साउथ ज्यादातर साउथ में रहे हम लोग, आपको तो पता है जल सेना सारी साउथ में ही रहती है, तो मेरे अच्छे खासे लिंक है, 8 जगह बहुत अच्छे खासे लिंक है। जैसे किस एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट वाले मेरे घर पे आए थे, गाली गलौज कर रहे थे, तो जहाँ पे इन लोग का किस्त वालों का ऑफिस है, इन लोग का ऑफिस है आपका नवी मुंबई में घनसोली में। हाँ तो हुआ क्या था, मैंने मेरा भी भाई देखो कॉलेज टाइम था, वहाँ पे हम भी इतने सीधे बच्चे नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्त लोगों को भेजा था, तो वहाँ पे मेरे दोस्त लोग पहुंच गए थे, 50-60 जन वहाँ पहुंच गए थे उन लोग के ऑफिस में। तो वहाँ पे उन लोग के ऑफिस वालों को जब हड़काया था ना सही से, तो मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आना बंद हो गए। तो सैनरे भाई यही है पूरा, या तो आप हो, आप कुछ कर सकते हो तो भाई मैं तो यही बोलूंगा सबको, तो लोन लो। और पहली बात तो भाई ऐसे इंटेंशन मत रखो कि लोन नहीं देना, क्योंकि इससे ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं मेरा केस लेके आप यकीन नहीं करोगे, मैं 50 यूट्यूबरों के पास जा चुका हूँ, तो बता देकर बोल रहा हूँ, ठीक है, जिनके सब्सक्राइबर लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर है, 50 लोगों के पास जा चुका हूँ। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है जो ये सब हैंडल करते हैं, ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे, सबको मैंने पैसे दिए खास अपनी तरफ से कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप मेरे को सॉल्यूशन दो, अभी तक किसी ने सॉल्यूशन नहीं दिया। एक एक बंदा और है भाई, कितने सारे यूट्यूबर ऐसे हैं पैसा खाके बैठ गए, सॉल्यूशन किसी की तरफ से नहीं आ रहा हूँ, मैंने पैसा मांगना ही बंद कर, मांगा ही नहीं भाई, मैं क्यों मांगू, मुझे पता चल गया ना, मैंने बस जाके वहां एक कमेंट किया और भाई उसका स्क्रीनशॉट लगा दे, भाई पे के पैसे मत देना, बात खत्म, और क्या कर सकते हो आप। तो फिर वही हुआ, तो यहाँ पे ना मेरे को आपसे बस यही हेल्प चाहिए, आपकी इन लोगों से कुछ है क्या पर्सनली, कुछ जान पहचान है, जैसे मेरे कुछ एप्लीकेशन में जान पहचान पर्सनली है, तो वहां पे तो मैं क्लियर कर लेता हूँ अपना, कोई इशू नहीं आता। जैसे किस्त का मेरा, आज मैं आपको तो किस्त का तो मेरा लमसम लमसम 2 साल पूरा हो जाएगा, पता है आपको, ठीक है, और रुफाइलो का 1 साल हो जाएगा, किस्त तो 2 साल पहले लिया था, रुफाइलो का 1 साल हो जाएगा, और काफी सारे ऐसे लोन है भाई जिसका 1 साल लमसम लमसम होने आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके सब्सक्राइबर में कोई पूछता ना कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सिविल पे कौन डालता है, तो 2 कंपनी है भाई जो सबसे ज्यादा डालते, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, ये हमेशा उनको बोलना, एक कैशी है, ठीक है, और दूसरी है आपकी मनी व्यू, इन दो से लोन, क्योंकि ये लोग ना भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट का सीन ही नहीं रखते, मैं आपको सही बताऊँ, या आपका सिविल पूरा हर महीने इन लोगों ने मेरा सिविल 70 पॉइंट्स डाउन किया इन दोनों एनबीएफसी में, ये लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन नहीं करते, ये लीगली करते हैं भाई सब कुछ, और आपके घर पे भी आते हैं ना, ऐसा नहीं कि विदाउट आईडी कार्ड आ गए हो या विदाउट होम विजिटिंग लेटर, भाई सब कुछ लेके आते हैं अपने साथ में, पहली बार आएंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन दूसरी बार आएंगे तो आपके पास होम विजिटिंग लेटर सब कुछ लेके आएंगे, आप वो लीगली आ रहे हैं ना, तो भाई आपको देखना बहुत दिक्कत भी बढ़ जाता है वहां पे। और मैं आपको सही बात हूँ, मेरे तो केस में ऐसा चल रहा है कि इनको ट्रू बैलेंस वालों को ना कुत्तों ने काट लिया था, तो वहां पे साले वो रिकवरी करने की जगह ना मेरे से एक क्रिमिनल केस में लड़ रहा है, बताइए। वो तो अभी मैंने वो सब जमा किया है कोर्ट में, कोर्ट में मैंने भेजा है सब वीडियो रिकॉर्ड, अच्छा हुआ कि मतलब कैमरा लगा था घर में, तो पता चला कि वो मेरे को धक्का दे रहा था और डॉग मेरा एग्रेसिव हो गया, ठीक है, तो फिर अब वो सिनेरियो में थोड़ा सा छूट मिली भी, वो भी 1-2 तारीख पड़ेगी खत्म हो जाएगा। तो भाई मैं आपको भी एक चीज बोलूंगा, मैं काफी टाइम से आपको चैनल, आपका एक चैनल शायद पहले भी था, हाँ हाँ टेक्निकल जी परिसी नाम से चैनल था, फ्रॉड एप्लीकेशन पे वीडियो डालते थे हम, तो वो क्या हुआ क्या उसका सीन। अब देखिए बात ऐसी है ना कि किसी कंपनी के खिलाफ में यदि वीडियो आप बनाइएगा, किसी के प्रति वीडियो बनाएगा तो आपका चैनल रहेगा या कुछ भी रहने देगा सर, आप बताइए। पैसा देकर देखिए YouTube में, देखिए YouTube बहुत बड़ा मतलब कि ये है, समझ गया ना, और उसमें देखिए हाँ उसमें देखिए अब मैं से गूगल हो गया YouTube हो गया, तो जॉब कैसे लोग करते हैं ना जॉब, तो उसी में कर्मचारी बैठा रहता है सब, उसी को पैसा खिला कर बस चैनल हटवा देगा सब। हाँ जो कर्मचारी नहीं बैठे रहते हैं सब उन्हीं को पैसा देकर हटा देगा सब चैनल, आपका हटवा देगा सब चैनल कोई ना कोई रीजन से। इन लोगों ने किया क्या आपका, मतलब ये स्ट्राइक दे दे के वॉयलेंस में नहीं,
देखिए स्ट्राइक और स्ट्राइक कुछ नहीं आया, जो आप समझ रहे हैं ना। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ भाई आ रही है। जो आप समझ रहे हैं ना कि स्ट्राइक और स्ट्राइक आया, तो स्ट्राइक और स्ट्राइक कुछ नहीं आया हमारे चैनल पर। एक भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं, कॉपीराइट कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट अकेले चैनल खत्म हो गया। आपका यूट्यूब से चैनल डिलीट किया जाता है। आप वायलेंट कर रहे हैं, सेक्सुअली वायलेंट कर रहे हैं, लिखा था। हाँ। अब बताइए कि कल पढ़ाई लिखाई का वीडियो डालते हैं या कोई धार्मिक वीडियो डालते हैं तो उसमें भी सेक्सुअली वायलेंट मारेगा सर। एक ही मेल रख लेता है सब यूट्यूब, एक ही मेल। कुछ भी गलती करे, कुछ भी गलती कीजिएगा ना, तो एक ही मेल भेजेगा सब कि आप सेक्सुअली वायलेंट कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पर भी खोलिएगा ना वीडियो, यूट्यूब पर तक हजारों वीडियो पड़ा है, जितना अश्लील वीडियो है ना सब वेब सीरीज वाला थंबनेल के साथ पड़ा है, लेकिन एक भी का चैनल नहीं हटा है, सबका मिलियन मिलियन में व्यू जाता है। देखिए आपको हम बता देते हैं, अगर आपको ट्रेंडिंग में आना है ना तो पैसा दे दीजिए ना, ट्रेंडिंग में आ जाइएगा यूट्यूब पर। अच्छा एक बात बताओ ना भाई, हाँ मेरे को ना आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए बेसिकली हम बिहार से बिलोंग करते हैं। अच्छा झारखंड साइड से हो? हाँ हाँ बिहार यूपी। ओके ठीक है। यार देखो एक काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ, हो सकता है आपके व्यूज भी बढ़ जाए, हाँ हाँ बोलिए। शायद आपने अभी तक ऐसा केस भी नहीं देखा होगा मेरे जैसा कि किसी भाई ने। हाँ हाँ वो ऐसा तो अभी केस हम देखे नहीं किए हैं कि इतना कलोन लिए हैं और आपके घर पर ये हो गया। क्योंकि भाई सबका सिनेरियो अलग है ना, कोई कंपनी पागल नहीं है कि मेरे को 70-74 लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए ऊपर से आपका सिविल स्कोर इतना है, 800 से ऊपर सिविल स्कोर है, समझ रहे हैं ना? किनका किनका पर 900 होता है, समझ रहे हैं ना? कि 800 से ऊपर सिविल स्कोर, समझ रहे हैं कितना अच्छा है सिविल स्कोर? 750 नहीं होता है लोगों का। उस टाइम मैंने काफी लोन लिए हैं, ऐसा नहीं 10-12 लोन मैंने पहले भी लिए थे, वो रजिस्टर्ड कंपनी और बैंक क्रेडिट कार्ड की वजह से, उस हिसाब से मैंने सिविल बढ़ा दिया था। तो टाटा कैपिटल आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस एनबीएफसी, उससे मैंने लिया था। एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड चल रहा था, फिर आपको सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड चला, तो वहां से मैंने जो क्रेडिट कार्ड चल रहा था पे कर रहा था ऑन टाइम, इसलिए मेरा सिविल अच्छा हुआ। हाँ उसमें दिक्कत होता है। उसमें जो प्रॉब्लम आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है, और फिर यहाँ पे भी देखो घर को फैमिली को देखो, तब ठीक है। अब पहले हम दोनों की इनकम सोर्स थी, अब एक की इनकम सोर्स थी मेरी वाइफ की, मेरे पास जॉब रही नहीं भाई, जॉब क्या नहीं रही, मैं आपको सही बताऊँ, मेरे को जॉब से निकाला गया इन एप्लीकेशंस की वजह से। बताइए नाम खराब कर दिया सब। हाँ मेरे को ये एप्लीकेशन, मैं टर्मिनेशन लेटर पढ़ा, मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लेना, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि मेरे को टर्मिनेट किया जा रहा है। वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, कंपनी कोई भी ना मेंशन नहीं करती आपको किस बिहाफ पे टर्मिनेट किया जा रहा है, ठीक है। टर्मिनेट कर मेरे को करके इन लोगों ने अगस्त में, कोटक में था मैं, अगस्त में मेरे को ये बताइए, आप मतलब कि इतना का लोन लिए, जॉब हटा दिया सब, आपके घर पर केस चलवा रहा है सब, कोर्ट कचहरी घुमा रहा है सब, ठीक है। आई सब जितना विजय माल्या है, ये सब इतना बड़ा बड़ा जो स्कैमर है, इसका को काहे नहीं कुछ कर रहा है सब? अरे भाई लमसम आप लेके चलोगे, मेरे में भी 10-12 लाख रुपए का लोन था। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो कॉमन मैन हूँ, मैं चाहता भाई मैं भाग जाता कल को। 10-12 लाख के लिए कौन भागेगा भाई? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी स्टेट छोड़ दो, आप कोई गाँव वाँव में जाके रहने लगो, आप सब छोड़ दो। हाँ 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 देखिए एक चीज आपको हम बता रहे हैं, देखिए हम अपने ही गांव का कहानी बता रहे हैं।